धनबाद के बिसेसल ब्लॉक दो क्षेत्र के बेनी डी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजना की मांग को लेकर जेएमएम नेता साहब बिरसा फोर्स सुप्रीम अजमुल अंसारी तथा माले नेता बलदेव वर्मा के द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने को लेकर धरना प्रदर्शन कुछ दिन पहले दिया गया था। बागमारा थाना के अगुवाई में वार्ता में सहमति बनी थी कि स्थानियों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कंपनी अपने किए वादे से मुकर गई, जिसे लेकर आज जेएमएम तथा माले पार्टी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। रथ टाड़ में आयोजित प्रेस वार्ता में अजमुल अंसारी ने अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के इंचार्ज राणा चौधरी पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। अजमुल अंसारी ने बताया कि संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कंपनी परिसर के बाहर दिया गया था, जिसके बाद सहमति बनी थी कि स्थानियों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अपने किए वादे से आउटसोर्सिंग कंपनी मुकर गई है। अब कंपनी इंचार्ज खुद को माफिया बता रहा है। वह यहाँ कंपनी चलाने नहीं माफिया गिरी करने आई है। बाहरी लोगों को केवल रोजगार देने की बात कहकर छत्तीसगढ़ बंगाल के लोगों को कंपनी में रखा गया है। कंपनी इंचार्ज पूरा दम भरते हुए उन लोगों को धमकी के साथ कहते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बागमारा के लोग क्या बिगाड़ लेंगे। कंपनी इंचार्ज माफिया बनकर डराना चाह रही है। वो कंपनी को चेतावनी देना चाहते हैं कि वह अपने कार्यप्रणाली को सुधार करे, अपने वादों को पूरा करे, नहीं तो उग्र आंदोलन वो सभी करेंगे। 19 जुलाई से अनिश्चित समय के लिए कंपनी का चक्का ठप किया जाएगा। राज्य की हेमंत सरकार स्थानियों को रोजगार से जोड़ने की बात कही है। जेएमएम की सरकार में तानाशाही रवैया किसी को नहीं चलने दिया जाएगा। कंपनी स्थानियों को काम दे, नहीं तो कंपनी चलने नहीं दिया जाएगा। मुद्दा यही है कि हम लोग पिछले बार हम लोग जो है कल आंदोलन था, जिसका अगुवाई जो है उस आंदोलन को समाप्त करने का अगुवाई यहाँ के थाना प्रभारी ने किया, और यहाँ के राणा चौधरी जी से बात करने के बाद जो है हम लोग आंदोलन को स्थगित किए थे कि हम लोग वार्ता करके जो है इस समस्या का समाधान हम लोग हरना जो है कमेटी हॉल में बैठे वहाँ के कंपनी के साथ वार्ता हुआ, जो सीनियर वहाँ के इंचार्ज थे मैनेजर जुलाई। यहाँ के लड़के लोग को जो है जो भी बचा हुआ है उसका इंटरव्यू लेंगे हम लोग सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि बात हुआ था, मगर ये कंपनी क्या जो अभी तक जो है इसके कान में अभी तक जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ के नौजवानों को ना इंटरव्यू लिया जा रहा है, ना ही यहाँ के नौजवानों का जो है जो भी इंटरव्यू जो पहले लिया गया था लॉकडाउन से पहले, ना उन लोग को रोज नियोजन दिया जा रहा है। तो साफ साफ तौर पे दिख रहा है ये अपने लोगों से जो है मैसेज पहुँचाने का काम करती है कि हम तो जो है MCC एरिया को झेल करके आए हैं, तो बागमारा ऐसा जगह क्या चीज है। तो कहने का जो काम कर रही है तो ये जान रहे कि हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग जो है इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम लोग बंगाल से छत्तीसगढ़ से थोड़ी आए हैं कि हमको सिखाएगा कि हम लोग जो है MCC इलाका से आए। तो कल हम लोग सौंप चुके हैं कि ये कंपनी जो है वादा खिलाफी करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवान बेरोजगारों को अपने हक अधिकार से वंचित रख रही है। हम लोग इसका जो है 19 तारीख को पूरा जोर दौर से जो है हम लोग विरोध करने जा रहे हैं, और चक्का जाम हम लोग उस दिन जो बैठेंगे जब तक जो मनसा से हम लोग आज आप लोग के माध्यम से आप लोग का भी जो हम सहयोग चाहते हैं कि आप लोग इस बात को जो है जिला प्रशासन तक पहुँचाएं, और जिला प्रशासन से भी हम आग्रह करते हैं कि हम लोग अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी के वादा खिलाफी जो हम लोग के साथ वादा करके जो हम लोग को नियोजन यहाँ के नौजवानों को नियोजन नहीं दिया, उसके खिलाफ जो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम और आप लोग के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को और BCCL के अधिकारी को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को जो हक अधिकार है उससे वंचित रखने का काम कर रही है अंबे माइनिंग। अगर हम लोग को जो है 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया यहाँ के नौजवानों को,
तो 19 तारीख को हम लोग लिखित तौर पर जो है जिला प्रशासन को हम लोग जो है सौंपने जा सौंप भी चुके हैं। 19 तारीख से जो है हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग चक्का जाम में हम लोग बैठेंगे। यहाँ के जो इसका इंचार्ज है हमें माइनिंग का, जो बहुत अपने आप को जो है बाहुबली बोलता है, राणा चौधरी नाम का एक व्यक्ति है, जो वो अपने लोगों से जो है गांव ग्रामीण में एक मैसेज पहुंचाने का काम करती है कि हम जो है कि एमसीसी इलाका से उस जगह से हम झेल करके आए, एमसीसी इलाका से हम रह करके आए, जहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो पाए तो बगमारा ऐसा जगह में हमको कौन क्या कर पाएगा। हम कंपनी चला रहे हैं और बाहर के लोगों को ही रखेंगे, यहाँ के लोगों को हम नहीं रखेंगे। तो ये नहीं जान रहा है कि इस झारखंड का मिट्टी है और इस झारखंड का मिट्टी बहुत सारा इतिहास को गढ़ा है, बहुत सारा इतिहास को जन्मा है। तो हम लोग इसी मिट्टी का हैं, हम लोग जो है भूखा मरना पसंद नहीं करेंगे, यहाँ इस कंपनी में लड़के मरना पसंद करेंगे, भूखा मरना पसंद नहीं करेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। राणा चौधरी जो अपने आप को जो है कंपनी चलाने नहीं आया, यहाँ पे माफिया गिरी चलाने आया, तो हम साफ साफ तौर पर राणा चौधरी को हम चिताना चाहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो हम लोग यहाँ का जनता है ना सुधारने के लिए बहुत अच्छा तरीका से जानता है। यहाँ पर राज जो है भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी वर्षों से कर रही है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ का नीति जो है पिछले कई वर्षों से ऐसा बना है कंपनी के जरिए से, और किसके जरिए से बना है आप लोग बता जानते होंगे, नाम लेना नहीं जान चाहते हम। यहाँ के लोकल को रोज़गार नहीं देना है, यहाँ से बाहर लोगों को ला करके रोज़गार देना है। हम साफ साफ तौर पर चेताना चाहते हैं कि अब रघुवर सरकार नहीं है, अब यह है गरीब मजदूर और यहाँ के मजदूरों का सरकार है, हेमंत सोरेन जी का सरकार है। अब किसी का मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ और बंगाल से जो आ रहे हैं उसको वापस भेजेंगे या कंपनी बंद कर दे, हम साफ साफ बोल रहे हैं कंपनी यहाँ से बंद कर दे, नहीं तो यहाँ का जो हक अधिकार है यहाँ के नौजवानों का वो आप हक अधिकार देने का काम करें। हम भी जो 8 घंटा खटना चाहते हैं, यहाँ के नौजवान 8 घंटा खटना चाहते हैं, तो क्यों नहीं नौकरी आप देना चाहते हैं, क्या कारण है नौकरी नहीं देना चाहते हैं हम यहाँ के नौजवानों को? यहाँ खेती नहीं होता हम लोग का, यहाँ कुछ नहीं होता है, हम बाहर क्यों जाएंगे? महाराष्ट्र, गुजरात हम क्यों जाएंगे? दिल्ली क्यों जाएंगे? हम आप लोग से भी आग्रह करते हैं, आप जो है देश के चौथा स्तंभ हैं, हम आप लोग से आग्रह करते हैं इस समस्या को जो है पुरजोर से उजागर करें, जिला प्रशासन को भी और यहाँ के जो है बीसीसीएल के अधिकारी को भी, कि किस अनुसार से यहाँ की आउटसोर्सिंग कंपनियाँ मनमानी कर रही हैं। हम लोग इस मनमानी को जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले के बैनर के तले हम लोग जो है 19 तारीख को हम लोग जो है चक्का जाम में हम लोग बैठने जा रहे हैं।